सिस्टम के विच आने हैं उत्ते देखते हैं कि वड्डे छोटे की कोई पहचान रखी नहीं जाती और यही जो सब तो वड्डा रीजन है कारण है जिहड़ा कि सिख यूथ हनीक सिंह जी दे और उन्होंने सारे जिहड़े यूथ सीगे उन्हां वालों और रसीद जी वालों जिहड़े उन्होंने यूथ साथी ने उन्होंने कहा नहीं असी जो सिस्टम है वो जो ठीक सिस्टम है ना असी उहदे नाल जावांगे और असी सिस्टम नूं ठीक ही रखना है। मैं हुण परमिंदर कौर चंडोक जी नूं कहांगा कि वो अपने विचार रखन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। पहले तो आप सारी साध संगत जी को गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब दियां बहुत बहुत बधाइया हो बहुत बहुत बधाइया हो। वाहिगुरु इस तरह ही सारियां नूं अपने दर के नाल जोड़े रखे। इस तरह अगे मेरे वीर ने भी कहा है दविंदर जी ने भी कहा है जो भी गुरबाणी जो जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि तुमको तुम्हारा मजहब हमारा तुमको हमारा ते जिस तरह वो उन्हें सानी साहब ने भी कहा सी कि ये दाम दबाण वाले बड़े हैगे ने और ये फैक्ट है ना प्रैक्टिकल चीज़ है कोई झूठी गल नहीं हैगी वाकई ही दाम दबाण वाले बड़े हैगे ने साडे अंदर साड़ी अपनी कौम के अंदर ही बड़े हैगे ने। हनीक वीर जी उन्होंने सिख यूथ फाउंडेशन जी साढ़े नाल जुड़ी है ये बहुत ही साढ़े वास्ते माण की गल हैगी बड़े ही सम्मान माण की गल हैगी क्योंकि उन्होंने सोच तो साढ़े प्रधान साहब जी की सोच सोच एक है लेकिन सिर्फ एक जरा शोर मचा यूथ 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 ठीक है यूथ में अभी अपने नाल ही लैके चलने ऐसी कोई गल नहीं है यूथ के पिछे एक सारा भी चाहिए है वे वो साढ़े प्रधान साहब जी है पाटिया साहब जी है सारे है जिन्हें सानू आगू करे कि अगों की करना है वे असी अपने आप नहीं चल सकते क्योंकि वो सारे साढ़े तो ज़्यादा तजुर्बेकार है तो असी ये रौला पा के चलीए वो नहीं गल बनती तुसी डिसरिस्पेक्ट करके चलोगे एक दूजे के एलीगेशन्स लगाओगे तो वो मज़ेदारी वाली गल नहीं आती ए किसी का कुछ नहीं बिगड़ना जो होना है अपनी ही बदनामी होनी है चाहे जो भी आवे तो सारा पता है वे जो मर्जी की करना है जो भी आवे लेकिन सब तो पहले गल यही होगी है कि उदे विच बदनामी की दी होनी है साड़ी अपनी होनी है साढ़े अपनी कौम दी होनी है। असी देखो असी कहने तो है अपने आप नूं कि असी एक है लेकिन फिर असी उस एक नाल फिर वंड भी जाने है तो उहदा फिर कोई फायदा नहीं है। जे आप दी सारी संगत चाहते हो कि हर काम एक जिवें शीशा होंदा है शीशे की तरह साफ होवे अपना ही दर्पण तुहानू नज़र आवे तुसी शीशे जो देख रहे हो तुहानू उही नज़र आवे वापस ये ना नज़र आवे कि हाँ कि तुसी कुछ होर कर रहे हो तो दिखा कुछ होर रहे हो। तो आप सारे अगे बेनती है आप सब जी नूं पता ही है प्रधान जी ने उन पिछे जो गुरद्वारा साहब हैगा सी उहदी किवें ही वाहिगुरू ने ही कीती है ये उन्होंने वसदा नहीं सी बाबा जी ने ही उन्होंने उद्दम बख्शिया है। सारे साढ़े पाटिया साहब सानी जी और जिन्हें भी परिवार अगे ने रियाज साहब जी सारे मेरे बड़े बहुत ही मान सम्मान बजुर्ग सारे बड़े है जी इलेक्शन में सिलेक्शन बना के ये मिशन होना चाहिए सारा मिशन ये होना चाहिए सारा मिशन इलेक्शन नहीं है सारा मिशन होना झूठ हो के बजाय कि एक दूजे ते असी बेइतबारी करके एक दूजे ते एलीगेशन लगा के चलीए तो फिर तुम्हें पता ही है कि हाल होना है वे वह सब नो ज़्यादा नुकसान होएगा साढ़े अपने गुरद्वारा साहब नूं साड़ी संगत नूं जिहड़ा कि सानूं बिल्कुल भी परवाह नहीं है। असी इस करके कोई किसी वो देख लाँगे नहीं वो विद इन चार छः महीने च काम तैयार होकर थोड़े सामने आता वे तो तुसी आप ही इस चीज़ में सोचो कि ये जिहड़ी कमेटी है किस तरह काम करती पी है सिर्फ कहना काम नहीं चलता टाइम देना पैंदा अपना और एक अपना सोशल जिहड़ा अपना घर परिवार भी त्यारना पैंदा है टाइम देना पैंदा ये सारी कमेटी हूँ तक इन्ने साल तो करते आ रहे हैं ये एवें नहीं सब कुछ होया ने अपना घर परिवार भी इन्होंने सारा तो अपना पूरा 24/7 ये सिख यूथ फाउंडेशन भी जी साढ़े
दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब प्रधान अमित सिंह जी, कालका जी आ चुके हैं। सारी सिख यूथ जनाब जो मीटिंग सी, जो उन्होंने साढ़े ना ज्वाइनिंग सी, उधर भी कालका जी का बहुत बड़ा योगदान सीगा। और इन्होंने हरमनजीत सिंह जी के नाल योग को जोड़ के एक बहुत बड़ा उपराला नखरे देखे जो कालका जी ने किया। हाँ, अरे सारे तहे दिल नाल इन्हां दा शुक्रिया करते हैं। ज्यादा ही प्रधान बनता मैं तुम्हें सीधा करता हूँ। मैं हूँ साढ़े चैनल पाटिया जी कहना है, मैं उन्होंने कहूँगा जी कि वो दो मिनट वास्ते वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार हरमनजीत सिंह जी, सरदार हरवीर सिंह जी कालका और गुरुद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन के प्रधान सरदार हरमनजीत सिंह जी और मंच से विराजमान तमाम परमते सज्जन प्रावण से पैरों अज असी इकट्ठे हुए हैं। आप सब नु पता है कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का रजौरी गार्डन का नाम इतिहासिक गुरुद्वारे छड़ के जिन्हें भी सिख सभा के गुरुद्वारे हैं, चाहे दिल्ली के हो, चाहे हिंदुस्तान के जो और सारे मुल्कों के बीच भी अज उसका नाम जो है चल रहा है, क्यों कि इन्होंने सेवाएं देखते हुए हिंदुस्तान की, इंडिया की, बल्कि वर्ल्ड की सब तो बेस्ट मशीन स्विट्जरलैंड तो आई है। वो सरदार हरमनजीत सिंह जी के उपराले उन्होंने कहने के नाल कमीशन हुई है। हरमनजीत सिंह जी ने हरमनजीत सिंह जी की मदद देनी है। सेवावान उन्होंने बेंत की और बेंत सेवावान उन्होंने अगे सोच रखी हैं। मैं ढंग निभा सकेगा तो असी अपना धर्म निभा है, असी अपना फर्ज निभा है। तो सतसंग जी ज्यादा समा ना लेंदा होया आप बेनती करता होया कि वोटा हरमनजीत सिंह भाई साहब ने विजय बनाना है। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। बोले सोनिया सन्नी जी आ जा, सन्नी जी, सन्नी जी दमन सेठी आ जा। हरिंदर सिंह जी, सात संगत जी, मैं 88 से सेवा लगे हैं। मेरे नाल छेवें प्रधान मेरे नाल चल रहे हैं, पर इस बार मैंने को माफी मंगी। मैं सेवा कुछ कारण में बाहर जाना तो नहीं कर सकता इस बार सेवा। तो असं इन्हों नाल हमेशा पहले भी चले हाँ, हूँ भी चलेंगे, बाद चार वोटा इन्होंने दिलवाएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इन्ने काम 7.5 साल जो है कोई कमी असी नहीं छोड़ी। जोड़े काम अधूरे वह भी पूरे किए जाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की। मंजते प्रजान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमनजीत हरमीत सिंह जी कालका जी और मौजूदा प्रधान श्री गुरु सिंह सभा के हरमनजीत सिंह प्लस उन्हों की पूरी टीम। सब तो पहले तो मैं सात संगत को पहले प्रकाश उत्सव की लख लख वधाई देवगा। दूजा मैं थोड़े न एक गल शेयर करना चाहगा कि ये साढ़े प्रधान कालका जी की विजनरी सोच का नतीजा है कि अज असी सारे से इकट्ठे हुए हैं। थोड़े इन्होंने बखूबी तरीके नाल किस तरह सारे जेड़े जिस तरह सिख यूथ वाले इलेक्शन लड़न नू तैयार सी, लेकिन उन्होंने भी अपने नाल मिलाया। जितने होर रजौरी गार्डन के पतवंते सज्जन सी जिन्हों
किसी ना किसी तरीके फैमिली मतभेद जो यूथ है वो आज एक स्टेज पे सच्चाई की लड़ाई दे विच साढ़े नाल हैगा उस उपराले का जन जिहड़ा सिर हैगा वो कालका जी दे हिस्से जांदा मंच ते बैठे गुरुद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन के मौजूदा प्रधान सरदार हरमनजीत सिंह जी सरदार सुखदेव सिंह जी रैद साहब जिहड़े ऑल इंडिया विश्वकर्मा फैडरेशन के प्रधान भी ने सरदार एन एस पाटिया साहब सरदार मनप्रीत सिंह जी वॉइस ऑफ वॉइसलैस तो मेरे छोटा वीर सरदार हरजीत सिंह जी बेदी साहब चेयरमैन गुरुद्वारा मोती बाग साहब सरदार हरिंदर सिंह जी सरदार हरनेक सिंह जी सरदार हरनाम सिंह जी सरदार दलदीप सिंह जी मेरे बुजुर्गवार इतने आई हुई रजौरी गार्डन की बहुत ही सत्कारयोग सूझवान साध संगत जी गुरु महाराज की फतेह साझ करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब की आप सब जी को लख लख बधाई और बधाई दे पात्र इस इलाके की संगत जिहड़ी अज अपने गुरु घर दी सेवा संभाल नूं चिंतित होकर इत्थे वो पंथक विचारा करन आई है उन पंथक विचारा की सांझ करन आए हो कि किस तरीके दे नाल अपने गुरु घर के प्रबंध नूं चंगे और सुचुजे हाथों के विच देना है उहदे बारे अज सारे तुसीं विचार विमर्श कर रहे हो। मेरे तो पहला हुणे पाटिया साहब ने बहुत डिटेल दे विच गुरु घर दी सेवावां दे बारे दस्या कि निथा प्रीति दे जिहड़े धर्म का प्रचार दे काम हुंदे आ उहदे अलावा जिस तरीके दे नाल इस इलाके दे विच इस गुरद्वारा साहब दे स्कूल ने तरक्की कीती है डिस्पेंसरी ने तरक्की कीती है जिहड़ा मैडिकल फैसिलिटीज इत्थे लोगों नूं दित्तियां जा रही हैं और मैं समझदा कि वाकई ये गल कहण दे विच कोई गलत नहीं है कि दिल्ली दे विच सिंह सभावां दी अगर नंबर देना होए किसी नूं तो एक अव्वल नंबर दे उत्ते गुरद्वारा सिंह सभा रजौरी गार्डन आउंदा। मैं 30 जुलाई नूं इत्थे आया सी और मैं वाकई दंग रह गया देख के कि जिस तरीके दे नाल इत्थे डेंटल चेयर्स लगी हैं मैमोग्राफी दे काम हो रहे हैं टेस्ट हो रहे हैं कीमोथेरेपी हो रही है डायलिसिस दियां मशीनां लगी है दवाखाना खोलिया गया गरीबों के इलाज वास्ते दवाइया देने वास्ते और मुफ्त दवाइया भी कई जगह पर दित्तियां जा रही हैं। मैं समझदा कि ऐसी जिहड़ियां सेवावां कर रहे हैं और पिछले तकरीबन 25 दिनों के मैं होर कुछ नहीं तो 15 जगह के उत्ते इस गल की मिसाल दिती है। मैं आप गुरद्वारा सिंह सभा कालका जी की सेवादारी मुख सेवादारी भी कर रहा और अपने गुरुद्वारा साहब की भी असी जी साउथ दिल्ली के बहुत वीडी असी डिस्पेंसरी का नाम चलाते हैं कि साडा गुरुद्वारा साहब बहुत वीडी डिस्पेंसरी है मगर मैनू ये कहने भी कोई गुरेज नहीं है कि साड़ी डिस्पेंसरी भी तुहाडे अगे 25 पैसे भी नहीं है। इन्ने एक वड्डे पद्धर के उत्ते तुसीं इत्थे कार्य कर रहे हो वाकई शलाघा दे योग हो और तुसीं बधाई दे पात्र हो सारे कि जिहड़े सरदार हरमनजीत सिंह जी दिन रात एक करके यह सेवावां निभा रहे हैं। सरदार हरमनजीत सिंह नूं कौम ने बहुत वड्डियां सेवावां भी दित्तियां कौम की सब तो वड्डी जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के दिल्ली तो नामजद हुए मैंबर ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी भी चोणां जिता के तुसीं लोगों ने उन्होंने सेवा दे विच भेजिया मगर मैं पिछले 7 सालों तो देख रहा कि जिस दिन तो इस गुरद्वारा साहब की सेवा इन्हों मिली है इन्होंने बाकी सब कुछ भुलाता बाकी सब कुछ अपने जीवन का जिहड़ा एक उद्देश्य बना लिया कि मैं इस गुरद्वारा साहब के प्रबंध में अच्छे तरीके दे नाल चलाना है मैडिकल फैसिलिटीज देनी है और तीरे 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 तुसीं आप झाती मार के देख लो कि पिछले 7 साल पहले की सी और अज की आ। यह वाकई एक सुचजे प्रबंधक का काम हुंदा है कि मैं चंगे तरीके दे नाल कार्य करा और संगत का फर्ज हुंदा है कि असी वो कार्य करन वाले बंदे नूं फिर मान सत्कार दे के उन्हों वापस सेवा दे विच लैके आईए।
हमने पाटिया साहब ने गल की है कि जेडे लोग अपनी माइल अपनी पैसे की जी सेवावान के नाल दसवंत कटते हैं उस तो वही सेवा है वे कि असी अपने गुरु घर चंगे हाथों के देन वसे और दसवंत अपने समय का कट के वोटा के रूप के तब्दील करते हुए उन्होंने प्रबंधकों के सेवा दी जाए। मैं समझना कि अज समा आ रहा 4 तरीक न जिस वक्त चोणा होनी है हर जगह के उत्ते जिथे गल की जाती है लोग जरूर नाम लेंगे ने कि सरदार हरमनजीत सिंह जी की टीम भी असं साथ दे रहे हैं, मगर सब तो वड्डी गल जी इलैक्शन के है कि सारियां मैं अपील कराँगा कि अपनी अपनी जिम्मेवारी दे नाल अपने इलाकों की अपने परिवारों दिया अपने महल की वोटा कढ़वाने की जिम्मेवारी भी अज तुसी लवो कि उन्होंने कढ़ा के उन्होंने भुगताना ये बहुत वड्डा काम है। मैं समझदा कि जिस तरीके की टीम सरदार हरमनजीत सिंह जी नाल जुड़ी है और खास तौर पर सरदार मनप्रीत सिंह जी और सरदार हरनीक सिंह जी, मैनू याद है कि सरदार हरनीक सिंह जी अपनी टीम के नाल मैनू कोई 5-6 महीने पहले मिले सी जिस वक्त इलैक्शन दियां गल्लां उठिया सी और इन्होंने हमेशा मैनू वड्डा भरा समझ के मेरी हर गल दे उत्ते मेरे नाल खड़े हुए और मैं भी इन्हों विश्वास दवाया सी कि तुसी जद इलैक्शन लड़ोगे तो पूरी कमेटी पूरी साड़ी पार्टी तुहाड़ा साथ देगी, मगर जिस तरीके दे नाल 30 तरीक नूं आके मैं इत्थे जिस वक्त माहौल देखिया इलैक्शन का बनिया होया इन्ने बोर्ड होर्डिंगां लाई मैं संगत दे विच अपील कीती सी और सरदार हरमनजीत सिंह जी नूं मैं कहा सी कि सारियां नूं इकट्ठा करो क्योंकि तुहाडी उम्र भी वड्डी है तुहानूं तजुर्बा भी वड्डा है और तुहाडा विशाल हिरदा भी होना चाहिए कि तुसीं सारियां नूं अपनी गलवकड़ी च लै के इस प्रबंध नूं चलाओ। और इन्होंने अगले दिन तो यह काम शुरू किया मीटिंगां सदियां और उस मीटिंग का फल यह होया कि सरदार हरनीक सिंह जी वर्गे इन्हों के साथी जोड़े सूझवान से इन्होंने तो इस गल के उत्ते राह पढ़ लिया कि सानू सारे इकट्ठे होना चाहिए और जिस तरीके दे नाल उसी मीटिंग दे विच इत्थे हुड़दंग मचाया गया इत्थे अपशब्दावली वरती गई इतों पता चलता है कि जिहड़े लोग दूजे पासे आना चाहते हैं जिन्हों का मकसद सिर्फ तो सिर्फ राजनीति करना है क्योंकि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी सीढ़ी उन्होंने ऐसी करके चुनी है कि आने वाले समय के काउंसलर इलैक्शन लड़िए बड़िया इलैक्शन लड़िए और मैनू ये गल कहते हुए अज भी मैं इस करके मैं नहीं आना चाहता सी कि मैं गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के करके तो मैं जरूर सेवादारा के आ सकता, मगर मैं एक पार्टी का मुखिया होने के कारण मैं दिल्ली श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट का नैशनल कन्वीनियर होने के नाते मेरा फर्ज नहीं बनता सी कि मैं गुरद्वारा सिंह सभा दी इलैक्शन चाहवा, मगर देखिया जिस तरीके दे नाल श्रोमणी अकाली दल दिल्ली जी पार्टी कलांदी है सरना साहब भरावां दी अज घर घर जा के गल कर रहे हैं वोटा मंगन दी आ एक राजनीतिक अखाड़ा बनाता इस गुरद्वारा साहब की छोटी इलैक्शन नूं, इस करके सानूं अज जूझना पिया और उन लोगों नूं सबक सिखाण वास्ते कि जिहड़े इस गुरद्वारे दीआं इलैक्शनां नूं अपनी सीढ़ी बना के राजनीति दे इस्तेमाल करते हैं उन लोगों नूं जवाब देण वास्ते। मैं धन्नवाद करदा सरदार हरनीक सिंह जी उहनां दी टीम दा सरदार मनप्रीत सिंह जी उन्होंने टीम का और खास तौर पर मेरे दोवें भरा जिहड़े इत्थे बैठे हैं सरदार हरजीत सिंह जी बख्शी सरदार मनप्रीत सिंह जी, मेरी इन्हां नाल तकरीबन पिछले 25 सालों तो सांझ है और जिस वक्त भी असीं आवाज़ मारीए समुची टीम इत्थे इकट्ठी खड़ी हुंदी है और अज भी जिस वक्त मैं इत्थे आया सब तो पहला इन्होंने रिसीव करन वास्ते मेरे कोल बाहर ही खड़े सी। एक प्यार एक स्नेह जिहड़ा है वह एक विश्वास तां मनाया जांदा और मैनूं उम्मीद है जो विश्वास सरदार हरमनजीत सिंह जी ने अपनी टीम के नाल और इस इलाके की संगत के नाल अपनी सेवा के रूप च बनाया तुसीं सारे इन्हां दा वध चढ़ के साथ देवोगे। आने वाली 4 तरीक नूं असीं वध तो वध बैठ दे निशान दे उत्ते मोहरा ला के समुची टीम नूं सेवा दा मौका दईए और सानूं किधरे अफसोस ना रह जाए कि वो असीं शेर पढ़ते होंदियां कि लम्हों ने खता कीती और सदियों ने सजा पाई, कोई इहो जिही साडे कोलों दुखांत ना हो जाए कि इस जरा प्रबंध चल रहा। और जिस तरह हूँ रियाज साहब ने गल की है कि जिस वक्त प्रबंध चलाए जाते हैं वो कड़िया औकड़ा आदि हैं मुश्किल आदि है वो वास्ते व्डे कार्य करन वास्ते जिते विजन वड्डा चाहिए उत्थे तुहाडा दायरा भी वड्डा होना चाहिए कि उस दायरे के कोलों तुसीं दसवंत इकट्ठा कर सको और लोग दसवंत उन्हों ही देते हैं जिहदी छवि ठीक होवे जिहदा अपना बाजार के रुतबा ठीक होवे जिहड़े लोग सेवा दे विच जिहदे उत्ते कोई दाग ना लग्या होए। जे सरदार हरमनजीत सिंह जी दे उत्ते कोई पिछले 7 साल किसी ने दाग देखा तो बिल्कुल वोट ना पाए,
बिल्कुल ना उन्होंने कभी किसी कवे कि इन्होंने वोट देवे क्योंकि गुरु घर गल्लां बर्दाश्त नहीं ने, मगर इन्हों अगर किसी ने कोई अज तक इन्होंने दाग नहीं ला सकिया, कोई इन्हों सेवा के उत्ते नहीं कर सकता, तो मैं सारे बेनती कराँगा फिर अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सरदार हरमनजीत सिंह वो तो वह असं सारे मिलकर वोटा पवाइए। मैं काफ़ी दूर तो चल के आया, मैं एक जकारा ला के थोड़े तो सारे की हामी लेनी है और हाथ खड़े करके सर मैं जवाब दे दो कि सरदार हरमनजीत सिंह जी का आप किस तरीके दे नाल सहयोग कर सकांगे। सारे नूं बोले सो निहाल, बहुत बहुत धन्यवाद, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। बोले सो निहाल, बोले सोनेहार, सोनेहार साढ़े भी तो यूनाइटेड जो डेड बॉडी थी सत्रीयकाल साढ़े चे सत्रीयकाल हनी जी आ जाओ, मैं चाहना मेरी टीम ही मेरे नाल आए। बिल्कुल सारी टीम बुला लो जी, योधी साहब साढ़े वहां से नारंग साहब साढ़े फॉर्मर चेयरमैन मैं अजीत सिंह बेदी जी को कहूंगा कि वो आई सारी संग बोले सोनेहार। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान अमीत सिंह कालका जी, मेरा ख्याल है सारिया का नाम लेना वैसे तो ठीक ही होंगे, पर हाथी के पाँव में सबका पाँव यह साढ़े हेड है, तो मैं सारे का नाम लैन लगे तो मंच पर जिन्हें भी बाकी सज्जन बैठे ने ते अपना मेरे संती वीरो सारे जड़े मेरे सामने बैठे हुए वो पहना मेरे गुरु मेरे छोटे भी सारे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहले मैं सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अज पहला प्रकाश पूर्व हैगा वे, मैं सारे लख लख बधाई देना है वा गुरु महाराज तुहाडियां सारियां मनोकामना पूरियां करन, सच्चे पातशाह तुहाडे ते मेहर भरे आस रखन। अच असी वैसे तो हर बार यही होंगे है वे सारे ही बोल जाते हैं यह चीज़ बनी डिस्पेंसरी कहते क्या होया मेरा सब छड़े कोई नहीं बोलन दे, तो मैंने कोई नवी चीज़ लगनी पैंती है। मैं अज निजी तुम दसना चाहना गा वा कि कई काम ऐसे हुए ने इतने जेडे ना वर्ण ने किसी वीर सिंह सभा ने नहीं किए है लाइक सब तो पहले मैं आज सिस्टम के आने उ देखते हैं कि वे छोटे की कोई पहचान रखी नहीं जाती और यही जोड़ा सब तो व्डा रीजन है कारण है जोड़ा कि सिख यूथ हनीक सिंह जी और उन्होंने सारे जोड़े यूथ से उन्होंने वालों और रसीत जी वालों जोड़े उन्होंने यूथ साथी ने उन्होंने कहा नहीं असी जो सिस्टम है वो जो ठीक सिस्टम है ना असं उसके जावे और असी सिस्टम को ठीक ही रखना है। मैं हूँ परमिंदर कौर चंडोक जी को कहूँगा कि वो अपने विचार रखें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। पहले तो आप सारी साध संगत जी को गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश पुरब दियाँ बहुत बहुत बधाइया हो, बहुत बहुत बधाइया हो। वाहेगुरु इस तरह ही सारे अपने दर्द के नाल जोड़े रखे।